रेजिडेंस के हवाले से, सिन रेजिडेंट एक्ट या सिन रेजिडेंशियल एक्ट, उसके अंदर जो है एक अमेंडमेंट कर दी गई है, तरमीम कर दी गई है, या ये कह लें कि ये एक नया एक्ट बना दिया गया है दोबारा से, तो उसके हवाले से आपसे थोड़ी सी डिस्कस कर लें। और वो एक्ट क्या है उसके हिसाब से अगर कोई भी सिंध के किसी भी ज़िले से कोई भी शख्स, सिंध के किसी भी ज़िले का रहने वाला कोई भी शख्स, रूरल सिंध का, दिल्ली सिंध का, शहरी इलाकों के अंदर आता है, कराची है, हैदराबाद है, सक्कर है, लाड़काना है, मीरपुर खास है, दादू है, इन शहरी इलाकों में आता है कोई भी रूरल सिंध का बंदा, अर्बन सिंध के अंदर आता है और एक साल की सकूनत इख्तियार कर लेता है, यहाँ पर एक साल रिहाइश करता है मुसलसल, तो उसको डोमिसाइल दिया जाएगा कराची का, सक्कर का, हैदराबाद का, लाड़काना का, शहरी सिंध का। ये एक्ट है, इसके हिसाब से जो है एक साल कंडीशन कर दी गई है, एक साल की कंडीशन है, एक साल कोई भी शहरी सिंध में आके रहे, सिंध में किसी भी ज़िले से, और उसके बाद जो है उसको डोमिसाइल जो है यहाँ का दिया जाएगा। ये एक्ट जो है पास कर दिया गया है या बन दिया गया है या इस पर तब्दीली कर दी गई है, बहरहाल आप जो भी कह रहे हैं। और इस वक्त मौजूदा सिनेरियो ये है कि आपको पता है कि डबल एड्रेस हो तो उस पर आपका डोमिसाइल भी आरसी नहीं बनेगा, कराची के अंदर अगर आप बनवाएं और आप सिंध के किसी दूसरे इलाके में, आपका जो है NIC के ऊपर जो है पता है, मौजूदा पता और मुस्तकिल पता, दो पते होते हैं NIC के ऊपर, तो अगर NIC पे डबल एड्रेस है, इवन कि आप कराची के भी दो एड्रेस रखे हुए हैं आपके NIC पे, तो उस पर भी जो आपको पता है कि डोमिसाइल के अंदर जो प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं, मसाइल पैदा हो जाती हैं, लेकिन अब इस चीज़ को जो है नरम कर दिया जाएगा और सिर्फ एक साल की कंडीशन लगा दी गई है। आपका ताल्लुक सिंध के किसी भी ज़िले से हो, देही सिंध के किसी भी इलाके से आप हो, किसी भी शहरी इलाके के अंदर जाके एक साल आप रहें, सकूनत इख्तियार करें और उसके बाद जो आप शहरी सिंध का डोमिसाइल हासिल कर सकते हैं। और मेरी नज़र में कोई बुरी बात नहीं है इसमें, कोई इबाम नहीं है, कोई मुजायका नहीं है, क्योंकि शहरी सिंध भी तो सिंध का हिस्सा है और ये सिंध के इलाके हैं। हाँ, अलबत्ता अगर दूसरे सूबों से लोग यहाँ पे आए और उसके बाद जो डोमिसाइल मंगवाएं आके, उनके लिए अगर ये कानून पास हो जाता तो उसमें यकीनन जो है प्रॉब्लम थी, उसके ऊपर जो है बात की जा सकती थी कि भाई ये गलत है। हालांकि वो भी सब हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, लेकिन फिर उसके प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती है कि आपको पता है कोटा सिस्टम है, आबादी का मसला है, मरदमशुमारी का मसला है, सेंसिस के ऊपर आपको पता है वैसे ही इशूज हैं बहुत सारे, तो फिर वहाँ पर जो मसाइल प्रॉब्लम और झगड़े वाली सूरत पैदा होती है। हालांकि वो भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। बहरहाल इस एक्ट के अंदर जो बात रखी गई है इसमें कोई मुजायका नहीं है, अगर एक साल कोई भी आके रह रहा है यहाँ पे सिंध के किसी दूसरे इलाके से, बिल्कुल उसको मिलना चाहिए, उसका डोमिसाइल मिलना चाहिए। कराची भी सिंध है, हैदराबाद भी सिंध है, सक्कर भी सिंध है, और जो दिल्ली सिंध है वो भी सिंध है, तो इसमें जो है कोई मुजायका नहीं है बहरहाल मेरी नज़र में। और इंशाल्लाह ये खबर के रिसोर्सेज जो है बहुत करीबी से रहे हैं जहाँ से मालूम हुई मुझे, और आप लोगों के सामने भी जल्द आ जाएगी और मीडिया पर भी आ जाएगी, और उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह इसके ऊपर जो कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, कोई फसाद इंशाल्लाह लजीज नहीं होगा, सब इसको खुश दिली के साथ एक्सेप्ट करेंगे। आप लोगों से मेरी गुजारिश है हार्ड टाइम पर पहली मरतबा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोज़ के अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।